शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आखिर शिमाश ने किया क्या? फर्जी बॉन्ड बेचे हैं इन्होंने। लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों के पैसे हड़प लिए हैं इन्होंने। और जिस अर्पित कुमार के साथ ये काम कर रहे हैं, उनको हमने 420 के केस में अंदर किया है। और उनके साथ जो जो लोग काम कर रहे हैं, वो सबको गिरफ्तार कर रहे हैं। और उनमें से एक ये भी है। गहरी खाई है बहुत ज्यादा, इंसान की लाश का नामो निशान तक नहीं मिलता वहां। फर्जी बॉन्ड? जी, फर्जी बॉन्ड। शिवाज, तो आपने लोगों को धोखा देकर ऐसे पैसे बनाए और अब आप हमसे माफी मांग रहे? बार बार इतना गलत काम क्यों करते हैं हम? शिवान बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? नहीं 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 सर, नहीं, हमने कुछ नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई बॉन्ड नहीं बेचे। हम साबित कर सकते हैं। कैसे? हमको अर्पित पे पहले ही शक था कि अर्पित कुछ गलत काम करके पैसे कमा रहा, इसलिए हमारा मन कभी नहीं माना उसके साथ काम करने का। और जो बॉन्ड उसने हमको दिए थे, वो तो हमने किसी को बेचे ही नहीं। अगर आपने बॉन्ड नहीं बेचे तो एक दिन में इतने सारे पैसे लाए कहां से? हाँ बोलो, इतने सारे पैसे एक दिन में कहां से आए तुम्हारे पास? वो पैसे हमने उधार लिए। उधार? हाँ, वो पैसे हमने अपने जानने वालों से उधार लिए, ईमानदारी से और सच बोलकर। इस श्रवणी को विदेश जाना पढ़ाई करने के लिए, और उन लोगों ने हमारी मदद की है और हमारे पास सबूत है उसका। हाँ रुको, हम लेके आते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जितने लोगों से हमने पैसे लिए सबको हमने लिख कर दिया कि हम उनके सारे पैसे वापस करेंगे। हमने कोई बॉन्ड नहीं बेचे, कोई गलत काम नहीं किया हमने। पेपर तो सही है, अब इन पर कोई केस नहीं बनता है। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया, सॉरी। चलो कॉन्स्टेबल। क्या बात है, आया मौसम दोस्ती का। अपनी एक बीवी को एक कपड़ा दिलाने की भी औकात नहीं रखते हैं, और छोड़ी हुई बीवी के लिए भी उधार मांग रहे हो लोगों से ताकि वो विदेश जा सके, और वो भी कितने? 25 लाख। क्या बात है, दोस्ती का खूब रंग चढ़ा है तुम्हारा श्रवणी शिवांश पर। बस बहुत हुआ, एक तो हम रोहन को लेके इतने परेशान चल रहे हो और आप एक ही पैसों को लेकर इतना तमाशा कर दिए ना, तो फिर रुकिए। ये लीजिए आपका चेक, आपको हमारे लिए लोगों से उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके इन सारे पैसों पे ना आपकी पत्नी का हक है, हमारा नहीं। सही बात है, पहला हक उसी का है। हमारे लिए हमारा पति है। शिबू, दुल्हन ठीक कह रही है, अब इस बात को खत्म करो। नहीं कि दुल्हन, शिबू को अंदर लेके जाओ। जी अम्मा जी, हम लेके जाते। चलो शिवांश।
श्रवणी बेटा, रोहन का पता लग जाएगा। परेशान मत हो, सारी रात जागी है। ऐसी हालत में इतनी देर जागना ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं माँ, रोहन का एक तो कुछ अता पता नहीं चल रहा है, अभी हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। रोहन घर आ गया तो ठीक, नहीं तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। मजनू, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हमको तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा। भैया जी, और कोई रास्ता भी तो नहीं था? रास्ता तो अभी भी कोई नहीं हमारे पास। जब शरवनी को पता चलेगा तो क्या कहेंगे उससे हम? हाँ, कैसे बताएंगे उसको? नहीं मजनू, हमने अच्छा नहीं किया झूठ बोल के। एक रास्ता है भैया जी। एक रास्ता? कौन सा रास्ता? आप एक मिनट यहीं रुकिए, हम अभी आते। भैया जी, ये है रोहन का फोन। इस फोन से हमें भाभी जी को एक मैसेज भेजना होगा ताकि उनको लगे कि रोहन ने मैसेज भेजा है। लीजिए भैया। नहीं 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 माजनू, अब एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, और पहले ही हम बहुत झूठ बोल चुके हैं। नहीं, हम नहीं करेंगे। अरे 100 झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे भैया, बस ये आखिरी झूठ होगा, और इस झूठ से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। हम पर विश्वास तो कीजिए। नहीं मजनू, हम और झूठ नहीं बोलेंगे। देखो भैया, ये आप कभी मत भूलना कि सबसे बड़ा झूठ उस रोहन ने बोला था, और उसका झूठ पकड़ा ना जाए इसके लिए वो आपको मारने भी वाला था। और ना जाने उसने कितने झूठ बोले, आपसे, भाभी से, हमसे, सबसे। सच हम दोनों जानते हैं भैया कि रोहन ने श्रवणी भाभी को धोखा देकर उनसे शादी की, लेकिन श्रवणी भाभी आज भी आपसे ही प्यार करती है। भैया बस आप ये समझो कि भगवान ने आपको एक मौका दिया है सारी बिगड़ी बात बनाने का, और इस झूठ से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। लीजिए भैया, सुन लीजिए, कर दीजिए मैसेज। भैया जी सोचिए मत, आप मैसेज टाइप कीजिए। चलिए माँ, पुलिस स्टेशन चलिए, चलिए। रोहन का मैसेज है, पढ़ना बेटा क्या लिखा है। श्रवणी, हम तुमसे दूर जा रहे हैं, कहाँ ये मत पूछना, बस हम तुम्हारे और शिवांश के बीच नहीं आएंगे। तुमने आज तक ना हमसे प्यार किया है और ना कभी कर पाओगी, ये बात हम समझ चुके हैं, इसलिए दूर जा रहे हैं। और यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, इसलिए तुमसे दूर जा रहे हैं। रोहन को अचानक क्या हो गया है, ये ऐसे मैसेजेस क्यों कर रहा है? श्रवणी बेटा, तुम दोनों के बीच में कोई बात हुई थी क्या? नहीं माँ, इसलिए तो और अजीब लग रहा है कि रोहन ऐसे मैसेजेस क्यों कर रहा है। हम एक बार फिर से फोन करते हैं। फोन कर फोन। श्रवणी का फोन आ रहा है। हमने तुमसे कहा था कि हमसे झूठ मत बोलो। क्या बोलेंगे भैया जी? काट दीजिए, अरे फोन काट दीजिए भैया, सोचिए मत, आप मत घबराइए, फोन काट दीजिए, जल्दी काटिए ना, अरे काटिए ना भैया, काट दीजिए भैया। क्या हुआ? सुहान ने फोन काट दिया। फोन काट दिया भैया, आप एक मैसेज और भेज दीजिए और फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, आप नहीं करेंगे, हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे। भैया डरिए मत, बस एक मैसेज टाइप कर रहे हैं, जल्दी कीजिए आप। मजनू, आपको हमारी कसम है भैया। माँ, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ चलो बेटा। एक और मैसेज आया है। क्या लिखा है? शवनी, तुम हमारे लिए परेशान मत होना, हम ठीक है, हम तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कि रोहन को क्या हो गया, ये अचानक ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है हमारे साथ? माँ, हम दोबारा फोन करते हैं। हाँ। माँ, माँ रोहन का फोन बंद आ रहा है।
तुम्हें करना था ये मजलू, अभी तुमसे कहा था कि हमें सबने झूठ नहीं बोलना है, लेकिन तुमने हमसे झूठ बुलवा लिया। क्या जवाब देंगे शर्मी को, क्या कहेंगे किसी को, क्या करेंगे हम? शर्मी को पता चलेगा इसके बारे में कि रोहन के फोन से हमने मैसेज किया है तो क्या सोचेगी वो, क्या बोलेंगे उससे हम? श्रवणी बेटा, रोहन तुम्हें बहुत प्यार करता है, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि वो इस तरह से तुम्हें बिना बताए अकेले छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया? ये देखिए उसने मैसेज भेजा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। है ना ताई जी, हमें भी कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। ताई जी, रोहन हमारे बचपन का दोस्त है, काफी अच्छे से जानते हो उसे, ऐसे चुपचाप बिन बताए वो कहीं नहीं जाएगा। दुल्हन पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो। मां 24 घंटे से पहले पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेगी, क्या करें? एक काम कर सकते हैं, हम रोहन की फोन की कंपनी को कॉल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि लोकेशन क्या है। हेलो हेलो हेलो, देखिए देखिए हमें आपकी मदद चाहिए। देखिए हमारे पति के फोन से हमें अजीब अजीब मैसेजेस आ रहे हैं, हमें लगता है कि वो फोन किसी गलत इंसान के हाथ लग गया है। क्या आप हमें उनकी फोन की लोकेशन भेज सकती हैं प्लीज? देखिए आपकी असुविधा के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले पुलिस में FIR दर्ज कराना होगा, उसके बिना हम लोकेशन नहीं बताएंगे। क्या ऐसे कैसे नहीं भेज पाएंगे? आप हमारी बात सुनिए, देखिए वो बहुत बड़ी मुश्किल में हुए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे जिम्मेदारी, उनकी जान को खतरा होगा तो कौन लेगा जिम्मेदारी? देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज प्लीज हमें उनकी लोकेशन भेजिए, प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। देखिए मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, इसलिए लोकेशन शेयर कर रही हूँ, प्लीज जल्दी कीजिएगा, प्लीज थैंक यू। लोकेशन आ गई। आ गई ताई जी, हमें फोन दीजिए, हमें अभी के अभी वहां जाना होगा। नहीं नहीं तुम अकेले मत जाना, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम साथ चलेंगे। हाँ हाँ अकेले का जाओगे, हम सब साथ में जाएंगे ना। हाँ सब साथ चलिए। ठीक है आप सब लोग चलिए हमारे साथ जल्दी। हाँ चलो। भैया ये लीजिए पानी पीजिए। अरे लीजिए भैया, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप पानी पीजिए, पकड़िए गिलास। देखो भैया जो होना था वो हो गया, अब आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, किसी को आप पर कोई शक नहीं होगा, बस आप अच्छे से घर जाओ और आप शांत रहना बस। रोहन का फोन, श्रवणी भाभी शिवांश, ये सब क्या है? रोहन का फोन आपके पास क्यों है? ये सारे मैसेजेस आप भेज रहे थे।
शर्मी, हम आपको बताते हैं, हम आपको सब सच बताते हैं। जल्दी बताइए, मेरे दिल में ऐसा शुभांश रोन का है। हम आपको बताते हैं, शर्मी, हमको जो किडनी दी गई थी ना, वो रोहन की नहीं थी रोहन की। रोहन की किडनी तो 10 साल पहले ही निकाल ली गई थी। रोहन ने आपको झूठ बोला, आपसे झूठ बोल के उसने शादी की है। क्या झूठ? झूठ सबका। रोहन के गायब होने से क्या मतलब है शिवांश? रोहन का फोन आपके पास क्यों है? और क्या सबूत है आपके पास कि रोहन ने आपको किडनी नहीं दी? कोई सबूत है? सबूत? रोहन कहाँ है? शुभाष, हमने पूछा रोहन कहाँ है, बोलिए। काका खेल खेल रहा भाई, हमारे तो सर के ऊपर से ही जा रहा है। भाभी जी, हमारा विश्वास कीजिए, भैया सच बोल रहे हैं। मत बोलिए हमें भाभी, मत बोलिए हमें भाभी। अश्रु भैया, आप जानते हैं, इनसे ज्यादा आप पर भरोसा किया है, आप पर विश्वास किया है, और हम पूरी रात हमने उन्होंने को ढूंढते रहे, परेशान थे, और हम एक की बात एक हमसे झूठ बोलते गए। रोहन का है, कहाँ छुपा के रखा आप दोनों ने? रोहन का है शिवांश। वो रहने दीजिए आप, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। रोहन, कोई फायदा नहीं है, वो वापस लौट के नहीं आएगा। देश वेश छोड़कर तो नहीं चला गया? कभी नहीं आएगा वापस। हम क्यों नहीं लौटेगा? क्यों नहीं लौटेगा? क्यों नहीं लौटेगा शिवान? कहाँ है रोहन? हमने मार डाला उसको। सच जानने के बाद हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अब जब तुम हमारी सच्चाई जान ही चुके हो, आज तो तुम्हें मरना ही होगा। वो हमारे सामने खाई में गिर गया। ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शर्मनी, हम रोहन से लड़ाई करना नहीं चाहते थे, वो अपनी गलती की वजह से हमारी आंखों के सामने खाई में गिर गया। शर्मनी, हम सच कह रहे हैं। शर्मनी, हम अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहते हैं शर्मनी, हम उससे लड़ाई करना नहीं चाहते थे। शर्मनी, आप लाश, उसकी लाश कहाँ गई? लाश, वो
वो इतनी गहरी खाई में गिरा है कि आज तक जो भी वहां गिरा है ना उसकी लाश मिली ही नहीं। वापस लौट के नहीं आएगा, हमने मार डाला उसको। किडनी दी गई थी ना वो रोहन की नहीं थी रोहन की। रोहन की किडनी तो 10 साल पहले ही निकाल ली गई थी। रोहन ने आपको झूठ बोला, आपसे झूठ बोल के उसने शादी की है। अब रोहन के घरवाले तो कोई है नहीं, हमें ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हमने पंडित जी को बुलाया है वस्ता। जी अम्मा जी। हाँ अम्मा जी, भले ही लाश मिले ना मिले पर अंतिम संस्कार तो होना ही है ना। ये तो सच्ची में बिल्कुल मरा हुआ मान लिया है, बिना मांगल सूत्र सिंदूर के आ गए। श्रवणी बेटा, किसे फोन कर रही हो? अंतिम संस्कार करने से पहले ये काम करना जरूरी है माँ। रोहन के कातिल को सजा दिलवानी है। इसलिए पुलिस को कॉल कर रहे हैं। अब श्रवणी के साथ कोई धोखा नहीं होगा और ना ही कोई झूठ बोला जाएगा। अगर इनको हमें जेल भेजने से शांति मिलती है तो ठीक है, यही सही। शिवाज हमारा क्या होगा? शिवाज एक बार तो सोचो। अब जो होगा देखा जाएगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में किसी का कत्ल हुआ है। और हथियारा भी यही है। नहीं, दीदी दीदी, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। तुम हमारे बारे में एक बार सोचो। हम मां बनने वाले। अगर शिवांश जेल चला गया तो क्या होगा? हमारे बच्चे का क्या होगा? हमारा क्या होगा? सोचो ना दीदी, ऐसा मत करो। वही होगा जो हमारे बच्चे का होगा। हम दोनों के बच्चे मां के आंचल में पलेंगे स्वीटी, किसी हथियारे के साए में नहीं। तो
तो ठीक है, आप हमको जेल भेजना चाहती हैं ना, सजा दिलाना चाहती हैं ना हमको, तो ठीक है, पुलिस के आने का इंतजार क्यों कर, चलिए हम खुद चलते हैं आपके साथ पुलिस चौकी। आज वही गलती आप कर रही हैं। हमने गलती की थी आप पर विश्वास न करके। कोई बच्चा गिराने की कोशिश नहीं की हमने, कितनी बार समझाएं आपको, बार बार बोल चुके लेकिन आप है कि आपको कुछ नहीं दिए कुछ। आप गलत नजर से देख रहे हैं, बस इतना याद रखें कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। याद है आपको कि आपने कितनी मिन्नतें की थी हमारे सामने, कितने हाथ जोड़े थे, कितनी चीख पुकार की थी हमारे सामने कि आपने हमारा बच्चा गिराने की कोशिश नहीं की। हमने आपकी बात मानी नहीं मानी, एक झटके में आपके साथ हमने रिश्ता तोड़ दिया, आज तक हम उसका पश्चाताप कर रहे हैं। आज वही गलती आप करने जा रहे हैं। आपने खुद अपने बच्चे की कसम खा के ये सब कबूल किया है शिवांश? बोला था कि आपका झगड़ा हुआ था, माता पाई हुई थी। हथियारे हैं आप, सुना आपने, हथियारे। और आप पाप, चलिए पुलिस स्टेशन। डरते नहीं हम जेल जाने से, हाँ आपकी नजरों में गिरने से डरते, इसलिए कह रहे हैं आपसे कि हमें एक मौका दीजिए अपनी बेगुनाही साबित करने का। हमने भी आपको एक मौका दिया था शिवांश, आप सब चले, हम आप लोगों को नर्स के घर ले चलते, वो खुद सब कुछ सच सच बता देगी। हम ये तो नहीं जानते कि आप आखिरी वक्त पर अपनी बेगुनाही क्यों साबित नहीं कर पाए, और ना कभी आपने हमें इसका कारण बताया, लेकिन उस आखिरी मौके के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। देखिए हम आपसे बस एक मौका मांग रहे अपनी बेगुनाही साबित करने का, एक मौका छोड़ने, तुरंत तुरंत शिवू को एक मौका दे दो। श्रवणी बेटा एक बार सोच लो, 24 घंटे है आपके पास सिफारिश कीजिए साबित, कीजिए साबित कि रोहन ने हमारे साथ धोखा किया है, साबित कीजिए शिवांश, और ये भी कि इसीलिए आपको उसके साथ झगड़ा हुआ था, कीजिए साबित, और ये भी कि रोहन की मौत एक हादसा थी, हत्या नहीं। और अगर इन 24 घंटे में आप साबित नहीं कर पाए तो हम आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। ठीक, हम करेंगे साबित। हमारा फोन रुकिए,
क्या हुआ श्रावणी? कहाँ जा रहे हो? अपनी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने। तो फिर हम भी साथ चलेंगे। लेकिन आपकी तबीयत ठीक? हम ठीक है। इस बार सच्चाई के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। चलिए। मम्मी मम्मी कुछ कीजिए, शिवांश को जेल जाने से किसी भी तरह से आप रोक लीजिए। नाम में भले ही चांद, आग हम सूरज वाली रखते हैं। तुम्हारे पति को जेल तो नहीं जाने देंगे। शर्मनी, थैंक यू हमें एक मौका देने के लिए। हम जा कर रहे हैं। कोई डॉक्टर रावत है, हम उनको ढूंढने जा रहे हैं। डॉक्टर रावत? हाँ डॉक्टर रावत, 10 साल पहले उन्होंने ही रोहन का ऑपरेशन किया था किडनी का। शमी आपको याद है शिवरात्रि वाले दिन आप किसी फाइल की बात कर रही थी, आपको याद है? हाँ, लेकिन वो फाइल शिवांश, वो फाइल तब की थी जब रोहन ने आपको किडनी दी थी। हाँ, लेकिन श्रवणी ये भी तो हो सकता है कि अपना सच छुपाने के लिए रोहन ने वो फाइल बदल दी हो। और ये भी तो हो सकता है कि आपका अंदाजा गलत हो। श्रवणी हम जानते हैं कि हमारी गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उस लिस्ट में झूठ कहीं शामिल नहीं है, सब सच है। और सच क्या है ये हम आपके सामने ला कर रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। चलिए चलिए। डॉक्टर रवि को ले आओ। डॉक्टर रावत तो हम ही हैं, लेकिन अगर आप 10 साल पुरानी सर्जरी की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पापा ने की होगी। जी क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अब सॉरी वो तो 2 साल पहले ही गुजर गए। अब ये सारा अस्पताल हम ही संभालते हैं। गुजर गए? डॉक्टर साहब क्या आप किसी भी तरह ये पता करके बता सकते हैं कि उन्होंने 10 साल पहले एक ऑपरेशन किया था रोहन नाम के लड़के का किडनी का? क्या हमको वो फाइल मिल सकती है डॉक्टर साहब? इतनी पुरानी फाइल मुश्किल है, और देखिए हमारे पास वक्त भी नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब वो फाइल हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है ना कि हमारी बेगुनाही उसी फाइल से साबित हो सकती है। बेगुनाही? कैसी बेगुनाही? जी डॉक्टर रावत, देखिए हम भी एक डॉक्टर हैं, हम अपने पेशेंट की हिस्ट्री जाननी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अब हेलो। हाँ सब रेडी? हाँ मैं आता हूँ। देखिए हमें सर्जरी के लिए जाना है, लेट हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आप पेशेंट के सारे डिटेल्स हमारे असिस्टेंट की मदद पर भेज दीजिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके नाउ प्लीज। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब वहाँ पे कुछ पुरानी फाइल्स रखी हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या उन पुरानी फाइलों में हम वो फाइल ढूंढ सकते हैं क्या? अरे हम अपने सारे पेशेंट्स की फाइल ऐसा पर क्यों देखने दे? और आप एक डॉक्टर हैं, आप समझ सकती हैं ये। देखिए प्लीज चलिए डॉक्टर साहब। ऐसे वैसे भी लाओ नहीं तो केबिन में। डॉक्टर साहब प्लीज हमारी एक बार बात सुन लीजिए। डॉक्टर साहब हमारी बात तो सुनिए। अरे देख एक बार हमारी बात तो सुनिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हटिए प्लीज, हटिए प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। रोहन की फाइल लिए बिना तो यहाँ से जाएंगे नहीं। तो अब क्या ताला तोड़ेंगे? आपको सच दिखाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। सच तो हम आपको दिखा कर रहे हैं।
शर्ली वो देखिए वो डॉक्टर जल्दबाजी में अपने कैबिन की खिड़की खुली छोड़ गया क्यों ना हम वहां से जाए शिवांश जब ये सब नहीं शर्ली देखिए हम ना तो कोई चोरी कर रहे हैं और ना ही ऐसा कोई काम जिससे किसी को नुकसान हो देखिए हम यूं गए और यूं आते शिवांश लेकिन भी चलेंगे आपके साथ दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो फाइल जल्दी मिलेगी लेकिन श्रावणी ऐसी हालत में आप जोखिम मत उठाइए हम ठीक है और वैसे भी हम ये सब रोहन के लिए कर रहे हैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए आपके लिए नहीं चलिए सारी तैयारी हो चुकी है ना वसुधा जी अम्मा जी पंडित जी आते ही होंगे ये दुल्हन नहीं दिख रही अम्मा जी श्रवणी भी अभी आती ही होगी ठीक है रोहन के आत्मा की शांति के लिए ये पूजा करनी जरूरी है जी अम्मा जी ठीक है ना हम ठीक है आप रुकिए हम लाइट ऑन करते हैं नहीं शिवांश लाइट मत ऑन कीजिए अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है आप फाइल उधर देखिए हम उधर ढूंढते हैं शिवांश कुछ मिला नहीं हमें नहीं मिला आपको मिली क्या फाइल नहीं मिली हम कह रहे बेफालतू में हम इतनी मेहनत कर रहे जब कोई फाइल है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ शमी हमने खुद अपनी आंखों से देखी थी रोहन की फाइल आप देखिए ना प्लीज हमें लगता है वो फाइल हमें मिल जाएगी यहाँ पे ठीक है वहां देखते हैं हाँ क्या हुआ शिवांश शिवांश क्या हुआ शिवांश रोहन रोहन कहाँ है रोहन खिड़की में रोहन है रोहन खिड़की पे शिवांश हो क्या गया आपको देखिए खिड़की पे कोई नहीं है शमी वहाँ शमी शमी वहीं पे था हमने देखा था ठीक है रुकिए शिवांश वहाँ पे कोई नहीं है वो यहाँ पे खड़ा था उसके सर पे जख्म था खून बह रहा था हमको मुस्कुरा कर देख रहा था शमी हमने देखा था यहाँ पे खड़ा था वो मुस्कुरा कर देख रहा था भगवान के लिए बस कीजिए शिवांश बस कीजिए हम अब तक रोहन की मौत को स्वीकार नहीं कर पाए और आप देखिए शर्मी हम झूठ नहीं बोल रहे हमने यहाँ पे रोहन को देखा था यहीं पे खड़ा था वो अगर देखा था तो कहाँ चला गया गायब
टाइम हो गया हमारे जाते। कहीं वो रोहन का भूत भूत तो नहीं? शिवांश आप बच्चे हैं क्या? हाँ, कोई भूत भूत नहीं होता है। आपको जो दिखाई दे रहा है ना, वो आपके किए गए गुनाह है, गुनाह, और वही सब आपको याद आ रहे हैं। चलिए यहाँ से। हमने देखा था रोहन को, क्या कर कैसे यकीन दिला? माता रानी आप तो जानती है ना, हमने जो कुछ भी किया जानबूझ करने की, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए माता रानी, हमारी मदद कीजिए। चलिए शिवांश, कोई फाइल नहीं मिलेगी आपको रोहन की। शबनी हम कह रहे हैं ना फाइल छोड़ो। शबनी शबनी छोड़ो। ये वही फाइल है जो हमें उस रात, इसमें लिखा है कि रोहन का बचपन में ऑपरेशन हुआ था, उसकी किडनी का ऑपरेशन। हम शिवांश को किडनी देंगे, पर बदले में तुम्हें हमसे शादी करनी होगी। शबनी देखा, हमने कहा था ना आपसे, कहा था ना हमने आपसे कि रोहन ने आपसे झूठ बोलकर शादी की है। जो किडनी हमें दी गई थी वो रोहन की नहीं थी, और जब रोहन को ये बात पता चली कि हमने उसका सच पकड़ लिया है, तो वो बकला गया और हमारे बीच में हाथापाई हुई, और वो अपनी गलती की वजह से खाई में गिर गया। हम उसे मारना नहीं चाहते थे, जब भी जो कुछ हुआ हमने जानबूझकर नहीं किया। यकीन करो हमारा, हम रोहन को मारना नहीं चाहते थे, हम बस उसे यही कह रहे थे कि वो खुद चलकर शर्मी के सामने अपना झूठ कबूल करे, और सारा सच हमें पता चल चुका है शिवांश। ओम नैनम चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका ना चैनम क्लोदियंते आपो ना शोषयति मारुता। पंडित जी, आपको कोई और सामग्री चाहिए पूजा के लिए? नहीं नहीं, सब है, बस पूजा शुरू करते हैं, आप सब बैठ जाइए। जी शुरू कीजिए। ये श्रवणी कहाँ रह गई? पूजा में तो उसी को बैठना है। आ गए।
शिवांश, कुछ पता चला? कोई सबूत मिला? पहले पूजा कर लेते हैं। लेकिन दीदी, नायक की दुल्हन, पहले पूजा कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे। जी अम्मा जी। चलिए आप अपना हाथ आगे कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अब आप सब दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हाथ जोड़ेंगे। रोहन ने जो कुछ भी किया, पता नहीं किया भी कि नहीं, तो ऊपर वाला जानता है। पर सच तो ये है कि वो बेचारा अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए सब लोग 2 मिनट का मौन रखते हैं, प्रार्थना करते हैं आंखें बंद करके। रोहन, तुमने हमारे साथ चाहे जो कुछ भी किया, लेकिन अब हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि तुम जहां भी हो तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ओम नमः शिवाय। ये क्या हो गया? ये रोहन की फोटो टूट कैसे गई है? पंडित जी, ये कैसे हो सकता है? ये किस बात का संकेत है? ये तो अमंगल का संकेत है। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी आप? हाँ, सही कह रहा हूँ, ये अमंगल का संकेत है। हमने आत्म शांति के लिए पूजा कर दी है, अब हमें जाने दीजिए, आगे की पूजा मैं नहीं कर पाऊंगा। सुनिए, अरे पंडित जी रुक जाइए, ऐसा मत करिए। बेचारे रोहन की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? शिवांश वहां पे कोई नहीं है। अरे वाह, हमें तो नजर नहीं आ रहा, कहां भूत देख लियो का? शिवू वहां तो कोई भी नहीं है, ये क्या कह रहा है बेटा? अम्मा अम्मा, हमने खुद देखा, रोहन वहां पे खड़ा था। शिवांश आपके मन का वहम है, देखिए खिड़की पर कोई है ही नहीं। शिवांश कहां बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम लोग पते की बात करो, ये बताओ कि तुम लोग सबूत ढूंढने गए थे, उसका क्या हुआ? शिवांश की बात सच निकली, रोहन का बचपन में ही किडनी का ऑपरेशन हो गया था, और उसके पास सिर्फ एक ही किडनी थी। इसका मतलब शिवू को किडनी रोहन ने नहीं दी, वो अन्य झूठ बोलकर हमसे शादी की। जैसे तुम शिवांश को बचाना चाहती हो, वैसे ही हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। हमें और कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने का। छोड़ दो शिवांश को, दे दो उसे तलाक, कर लो हमसे शादी। हमारे सबसे अच्छे दोस्त ने हमसे झूठ बोला और हम मान भी गए। तो दीदी तुम अब शिवांश को जेल नहीं भेजोगी ना? बोलो ना, शिवांश हमारे साथ ही रहेगा ना? हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होगा स्वीटी? सच तो ये है कि रोहन की मौत हुई है, और एक न एक दिन पुलिस को ये बात पता चलेगी और हमारे दरवाजे पर पुलिस आएगी।
समझदारी इसी में है कि हम खुद पुलिस को सब सच बता दें। कोई जरूरत नहीं है दुल्हन। रोहन के साथ जो कुछ हुआ उसकी अपनी करनी थी। भगवान ने न्याय कर दिया। लेकिन अम्मा, कहा ना दुल्हन, अब इस बात को भूल जा। रोहन की कोई बात नहीं करेगा इस घर में। अब तुम सब लोग जाओ यहां से। शिवांश चलो। इतनी रात में हमें यहां क्यों बुलाया? क्योंकि हम जानते हैं कि आपको भी नींद नहीं आ रही। हम ये भी जानते हैं कि अंदर आप अम्मा की वजह से चुप रह गए और वो सारी बातें आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही होंगी। लेकिन आप चिंता मत करिए, एक आध दिन बाद हम खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच बता देंगे पुलिस को। और उसके बाद कानून जो भी फैसला करे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं हमारे बारे में। क्यों क्यों फर्क पड़ता है आपको कि हम क्या सोचते हैं? क्या सच में आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता? रहने दीजिए शिवांश। रहने नहीं दीजिए, आप सुनिए। हाँ, हमको फर्क पड़ता है आप क्या सोचती हैं हमारे बारे में, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ आप ही हैं, सिर्फ आप। भले आज हम स्वीटी के साथ, लेकिन हम अपनी एक एक सांस आपकी खुशी के लिए लेते। और अब हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे। क्या बात है? क्या हुआ? हमारे यहां आने से रोमांटिक मूड खराब हो गया? ठीक है, कहो तो हम लौट जाते हैं। सुटी, क्योंकि हमारी बहन और हमारे पति को एकांत देना तो बनता है ना? ठीक है, हम चले जाते हैं। हाँ। स्वीटी नहीं, स्वीटी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ये है तुम्हारा वादा? हाँ, तुमने वादा किया था ना कि शिवांश को हमारे करीब आने के लिए तुम हमारी मदद करोगे। ऐसे मदद करोगे तुम कि आधे रात को यहाँ आके शिवांश के साथ मिल रही हो, उसके साथ नैन मटक कर रही हो? चुप, बिल्कुल चुप। हम बच्चे नहीं है। तुम छुट्टी, ये क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ दो शिवांश। हम कह रहे हैं हमारा हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो वरना। क्या कह रहे थे तुम? क्या कह रहे थे कि ये तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारी सांसें इसके लिए चलती है? हमने सब सुना हमने।
दीदी तुम बात को समझ नहीं रही हो। देखो ऐसा ऐसा कुछ हम सब सही समझ रहे हैं, सब सही समझ रहे हैं हम। रोहन की तरह हमें भी रास्ते से क्यों हटा नहीं देते? हाँ रोहन, तुम दोनों के रास्ते का काटा था ना, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर रोहन को मार डाला। हाँ सब समझ में आ रहा है, तुम दोनों ने मिलकर ही मारा है ना रोहन को। स्वीटी नहीं, हमको भी मार दो ना, चलो मार डालो ना, मार डालो। स्वीटी स्वीटी क्या बोल रही हो तुम? ताकि ये रास लीला तुम दोनों खुले आम कर सको, पर हमारा नाम भी स्वीटी है। तुम अगर हमारे नहीं हो ना, तो हम तुम्हें किसी का भी नहीं होने देंगे। आज तक हम तुम्हारे लिए रोते रहे, पर अब और नहीं, अब तुम दोनों रोगे, क्योंकि अब हम पुलिस को जाके सारा सच बता देंगे, और तब तक हम दम नहीं लेंगे जब तक शिवांश तुम्हें फांसी नहीं मिलती। फांसी? चिटी चिटी नहीं, देखो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। और दीदी तुम भी तिल तिल कर मरोगी, आंसू बहाओगी हमारी तरह, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम शिवांश को कितना चाहते थे, कितना प्यार करते थे। चिटी सारा सच बता देंगे कि तुम दोनों मिलकर रोहन को मारा। चिटी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम तुम दोनों को। चिटी नहीं छोड़ेंगे हम तुम दोनों को, देख लेना। शिवांश ऐसे में बेहोश होना सही नहीं है, चिटी आप जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। अभी फोन करते हैं हम। चिटी उठो। हेलो डॉक्टर नीलम, आप जल्दी आइए, इमरजेंसी है। स्वीटी स्वीटी उठो, स्वीटी स्वीटी आके खोलो। स्वीटी क्या कहा हमारी बेटी को? हाँ ये हाल कैसे हुआ हमारी बेटी का, बोलो क्या किया तुम दोनों ने? कहीं रोहन के जैसे ताई जी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, कुछ नहीं किया तो तुम तीनों आंगन में क्या कर रहे थे आधी रात को, बोलो। वो स्वीटी ने हमें और शिवांश को अकेले देखा तो वो देखा, हम कह रहे थे कि तुम दोनों को छुपा रहे हो, हमें बड़की ठकुराइन जरा सांस तो भर लो, घर में पहले ही एक मौत हो चुकी है और तुम इसीलिए तो कह रहे हैं रोहन वाला हाल हमारी बेटी का ना हो जाए। अरे आपसे कहा ना बस करिए, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। तुम तो छुपी रहो, तुम दोनों पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, पता नहीं कितनों की बलि चढ़ाओगे तुम दोनों अपने आशिकी के चक्कर में। आपसे कहा ना बस करिए, नहीं तो क्या क्या कर लोगे तुम? एक तो हमारी बेटी की ये हालत कर रही है। शिवांश शांत हो जाइए, ताई जी आप भी प्लीज शांत हो जाइए, हमने डॉक्टर को बुलाया है। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे फोन किया था? जी डॉक्टर साहब, हमने ही फोन करवाया था, प्लीज आइए आइए। ये देखिए कि इनको थोड़ी सी सर में चोट लग गई, तो वो चोट के चक्कर में बेहोश होके ऐसे गिर गई, जरा चेक कीजिए इन्होंने डॉक्टर साहब। एक और बात, ये प्रेग्नेंट है। ये प्रेग्नेंट है तो इनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई है ना? प्रेगनेंसी रिपोर्ट? ये कौन सी डॉक्टर आ गई, कहीं से पता चल गया कि स्वीटी प्रेग्नेंट नहीं है तो? थैंक
प्रेगनेंसी, ताई जी अब स्वीटी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट ले ही ना। रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। अरे स्वीटी ने रूम में ही रखी होगी, और कहाँ होगी, आप एक बार कमरे में देखिए तो सही। हाँ हम ढूंढते हैं। डॉक्टर साहब आप चेक कीजिए ना प्लीज, बेहोश हो गई है। पोल खोल देगी, स्वीटी भी बच जाएगी। स्वीटी तो गए काम से, हम भी गए काम से। हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो स्वीटी की डायरी है। इसमें तो स्वीटी अपनी राम कहानी लिखती है। हाय दिमाग चल गया हमारा। इसमें तो ये कहानी जोड़ सकते हैं। जिस कहानी का खलनायक को कभी कोई हरा नहीं सकता। कहानी तो लिख ली, अब इसे दर्शाने का वक्त है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपने कहा था ना ये प्रेग्नेंट है? जी प्रेग्नेंट है, 2.5 महीने से। क्योंकि ना बच्चे की हार्ट बीट मिल रही है और ना ही कोई बच्चे का मूवमेंट। ताजुब है। अब चेक कीजिए ना, कहीं मिसकैरेज तो नहीं हुआ। अब आप चेक कीजिए ना प्लीज। आपको यकीन है वो प्रेग्नेंट है? क्योंकि प्रेगनेंसी के कोई भी लक्षण इनमें दिख नहीं रहे। पिछली बार तो रोहन ने ही डॉक्टर को फोन किया था, उन्होंने तो ऐसा ही कहा था कि ये प्रेग्नेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? और हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे आपसे, वो भी प्रेगनेंसी के बारे में। But she's not pregnant. आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।